फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयोंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट कर रहा है नाउ? तो पहला है इसमें, देखो दो फैक्टर इसमें, टू फैक्टर है मेनली, दो फैक्टर है जिसपे ये बॉयोंट फोर्स या अपथ्रस्ट डिपेंड कर रहा है। पहला है डेंसिटी और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम आप डुबाए हैं। ठीक, तो पहला इसमें क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और दूसरा क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, दूसरा क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे एक लिक्विड है और इसमें आप एक ऑब्जेक्ट डुबा रहे हैं, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है मान लीजिए वो डेंसिटी एक्स है, फिर आपने यहां पे बर्तन लिया उसमें भी कुछ लिक्विड है और ये ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहां लिक्विड हम बदल दिए हैं और यहां जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आप मान लीजिए 2x है, कितना मान लीजिए 2x, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था और यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये लिक्विड सेम नहीं है क्योंकि इसका डेंसिटी x है, इसका डेंसिटी क्या है 2x है। आप यहां से यहां क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डेंसिटी बढ़ जाता है तो अपथ्रस्ट अधिक लगने लग जाता है, यानी अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस देन अपवर्ड फोर्स इंक्रीजेस एंड अपथ्रस्ट इंक्रीजेस, कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा तो फिर अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा और अपथ्रस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ये पहला बात हो गया डेंसिटी। ठीक है, इसलिए आपने, अब सुनो, यही कारण है कि जब आप तैरते हैं तो समुद्र के पानी में तैरना आसान है देन नॉर्मल रिवर वाटर, जो हमारा नॉर्मल जो नदी का पानी है उसके तुलना में समुद्र के पानी में तैरना इजी है। ऐसे समझिए कि जब आप तैरते हैं तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए, है ना। जैसे ऐसे समझो, यहां पे ये नदी है और यहां पे कोई आदमी ऐसे तैर रहा, मान लो ये कोई आदमी ऐसे तैर रहा, ऐसे ही आदमी तैर रहा, तो इसे क्या चाहिए, ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए नॉर्मल नदी का पानी है तो वो उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स नहीं दे पाता है, लेकिन अगर आप सी वाटर ले लेंगे, समुद्र का पानी, तो सी वाटर में खूब सारा अपथ्रस्ट मिलता है, खूब ऊपर की तरफ आपको फोर्स मिलेगा। अभी आप क्या देखें कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ता है तो अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा, अपथ्रस्ट बढ़ेगा, तो नॉर्मल पानी से सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, नॉर्मल वाटर कम होगा किसके तुलना में, सी वाटर के तुलना में, किस मामले में, डेंसिटी के मामले में, कि जब आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो डेंसिटी के टर्म में नॉर्मल वाटर कम है किससे, सी वाटर से, तो सी वाटर ज्यादा डेंस है इसका मतलब, तो अगर सी वाटर डेंस है तो अपवर्ड फोर्स भी वो ज्यादा लगाएगा, और अगर अपवर्ड फोर्स वो ज्यादा लगाएगा तो फिर उसमें तैरना इजी होगा। तो इसीलिए कोई आपसे पूछे कि किस पानी में तैरना आसान है, समुद्री पानी में या नदी के पानी में, तो आपको तुरंत आंसर करना है कि समुद्र के पानी में तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी अधिक है तो वहां पर अपवर्ड फोर्स भी अधिक मिलेगा तो तैरना आसान होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको पूछा जाए कि किस पानी में तैरना आसान है तो आपको जवाब क्या देना है, उस पानी में जिसकी डेंसिटी अधिक है, और यहां हमारे पास वो पानी है सी वाटर। ठीक है,